Hello everyone, my name is Akshat Dahlia and I'm a third year medical student. So welcome back to my channel, Dream Medical. So आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. सिंपल सी एक टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं इस टॉपिक के ऊपर. सो एज अ मेडिकल स्टूडेंट दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो. सो यार मैं आपको कहूँ कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए तो यार या नहीं लेना चाहिए तो यार मैं कौन हूँ, आप मेरी क्यों सुनोगे. सबसे पहले पॉइंट तो यही. वैसे ही अगर आपके फ्रेंड्स कहें कि यार ड्रॉप ले लेते हैं, या आपका कोई फ्रेंड ले रहा है ड्रॉप और आप सोचोगे कि ये ड्रॉप ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ. मैंने अपने दोस्तों को देखा है यार बहुत ज़्यादा कि एक ड्रॉप ले रहा है तो पीछे पीछे चल देते हैं यार कि हाँ चल मैं भी ड्रॉप ले लेता हूँ देख लेंगे. तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. वो ड्रॉप ले रहा है लेने दो, उसकी मेंटेलिटी है. आप ड्रॉप ले रहे हो तो आप खुद से पूछो कि क्या मेड को ड्रॉप लेना चाहिए, हाँ या ना. खुद से क्वेश्चन करो यार. अगर आप अभी खुद से करने लगे वाई खुद से तो यार फ्यूचर में बहुत अच्छा कर पाओगे. लेकिन अगर आपने आज अपने आप से वाई करना स्टार्ट नहीं करा ना तो आप गॉड से पूछोगे वाई नहीं, मतलब समझ गए ना. तो वही आप खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो कि वाई, मतलब क्यों मैं ड्रॉप लूँ या मैं ड्रॉप क्यों नहीं लूँ. ठीक है, तो यार मैं बात करता हूँ कि उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया है. फर्स्ट अटैम्प्ट की बात करते हैं सबसे पहले. जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया है और उन्होंने फाड़ के पूरी फोड़ दिया था पेपर, लेकिन कहीं ना कहीं 400-500 पे आके अटक गए. ठीक है, कोई बात नहीं यार, होता है, सबके साथ होता है. मैंने भी एक ड्रॉप लिया था तो यार ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया. तो अब आप खुद से पूछो कि आपने फुल पोटेंशियल दिया था क्या. पूछो, दिया था आपने क्या फुल पोटेंशियल. अगर आपने फुल पोटेंशियल दिया था तो यार एक ट्राई तो बनता है यार, एक और एक ड्रॉप तो बनता है. ठीक है ना, एक ड्रॉप लो, मैं कहूँगा ले लेना. तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, तो यार ऐसे में ना आप अपना क्वेश्चन पेपर लो नीट का जो आप देकर आए हो और उसको इवेल्युएट करो किस सब्जेक्ट में आपने गलती की है जहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट हुए. ठीक है, अब वो सब्जेक्ट क्या आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था या वो स्टार्टिंग से ही वीक सब्जेक्ट था. इवेल्युएट करो खुद को, पूरा क्वेश्चन पेपर देखो कि क्या क्वेश्चन पेपर में मैंने गलती की है. फिर आप एनालाइज करो खुद से जिस सब्जेक्ट में मैंने गलती की है. मान लो आपने फिजिक्स में गलती की है, आप फिजिक्स के पेपर में गलती करके आए हो, उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, उसकी वजह से आपका वन ईयर खराब हो सकता है. तो आप खुद से क्वेश्चन करो क्या मैं इस गलती को सुधार पाऊंगा. ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स इज नॉट एन ईजी सब्जेक्ट यार, बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है लिटरली. मेरे को तो बहुत डर लगता था फिजिक्स से. सो यार खुद से पूछो कि क्या मैं फिजिक्स कर पाऊंगा. अगर अंदर से आवाज आए ना यार हाँ कि हाँ फिजिक्स तो हो जाएगी यार, कोई दिक्कत नहीं, और दो सब्जेक्ट तो आपके क्योंकि स्ट्रॉन्ग है वहां पे आप स्कोर करके आए हो, ड्रॉप ले लो यार, सीरियसली ड्रॉप ले लो, फाड़ के पढ़ाई करो, हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे तो हो गया जिन्होंने स्कोर करा था 400-500. अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका स्कोर था 400 से बिलो. तो यार चांसेस यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुए आपके लिए भी. यार आपको भी खुद से एक क्वेश्चन करना है कि आपने क्यों पढ़ाई नहीं करी. अब क्यों पढ़ाई नहीं करी यार, उन फैक्टर्स को आपको एक कॉपी पे लिख लेना है. उन फैक्टर्स को अगर आप देखते हो कि हाँ मैं इन फैक्टर्स को इरेडिकेट कर सकता हूँ, कि हाँ मैं इन फैक्टर मतलब इन कारणों को हटा सकता हूँ और मैं इससे अच्छा बेस्ट दे सकता हूँ, तो यार ले लो ड्रॉप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर. ले सकते हो और तैयारी कर सकते हो, बट कंपटीशन को भी तो देखो यार, कितना हाई लेवल का जा रहा है. मैं डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ यार, 720-700, इवन कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके अभी 685 के अराउंड मार्क्स आए हैं एंड दे आर स्कोरिंग अराउंड लाइक मोर देन 50, मतलब उनकी रैंक आ रही है. तो सोचो यार कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है यार, बहुत ज़्यादा. हमारे टाइम में तो 3 साल पहले तो फिर भी इतना नहीं था, लेकिन पिछले साल तो 720 भी दो स्टूडेंट्स ने मार लिया था यार. तो यार फिर पूछो यार कि कर पाओगे, क्योंकि यार ड्रॉप लेना ना एक बहुत बड़ा यार रिस्क फैक्टर रहता है यार. ड्रॉप लेने का मतलब है यार कि हाँ ले रही है ड्रॉप,
क्या पता हो या ना हो यार, सीरियसली किसको पता है आगे क्या होगा। ठीक है तो यार पूछो खुद से, है ना। तो यार बस आपको खुद से पूछना है कि यार ड्रॉप लूँ या ना लूँ। आप किसी की मत सुनो यार, लिटरली किसी की मत सुनो। इट्स योर फ्यूचर, यू आर गोइंग यार, आपका ये ड्रॉप या आपकी जो मेहनत होगी या आपका जो पैशन होगा वो डिसाइड करेगा आप फ्यूचर में कौन सी गाड़ी, लैम्बोर्गिनी चलाओगे या एक नॉर्मल फोर व्हीलर चलाने वाले हो। तो यार खुद से जरूर क्वेश्चन करने। तो ठीक है ये हो गया इनके लिए। तो और बात कर लेते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक साल का ड्रॉप ले रखा है और स्टिल वो लोग थोड़ा सा नीचे अटक गए हैं, लाइक नहीं हो पाया उनका सिलेक्शन। तो क्या उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए या किन ऑप्शंस पे जाना चाहिए, वो आगे बात करते हैं। तो यार आपने एक साल ऑलरेडी ड्रॉप ले लिया है, ठीक है, सबसे पहली बात आपने एक साल ड्रॉप ले लिया है। अब आप ये देखो कि आपकी एक साल ड्रॉप लेने के बाद भी आपसे कहाँ गलती रह गई यार। खुद को जब जिस दिन इवेल्युएट करने लग गए ना, खुद को जिस दिन खुद से वाई करने लग गए ना, सीरियसली सक्सेस की तरफ पहला कदम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो यार पूछो खुद से कहाँ गलती रह गई। अब एक ड्रॉप ले चुके हो, एक ड्रॉप का आपके ऊपर ऑलरेडी एक प्रेशर आ चुका है, क्या आप सेकेंड ड्रॉप का प्रेशर ले सकते हो? अब क्योंकि जब ड्रॉप लेते हैं ना यार, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं, लाइक बैकग्राउंड कैसा है फैमिली का। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेडिकल की तैयारी करते हैं ना यार, दे आर बिलोंग टू अ लाइक मिडिल क्लास फैमिली, राइट। सो यार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जाएँ और तैयारी कर करके काफ़ी साल वेस्ट करते हैं और इन द एंड रिजल्ट आए जीरो। तो यार बहुत ज़्यादा मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं, लाइफ से हारना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, अपने मतलब सीनियर्स को देखा था जो तीन चार ड्रॉप ले रखा होता है जिन्होंने, और वो नहीं कर पाते क्लियर। तो यार बहुत ज़्यादा पता ही है फिर क्या होता है यार, बहुत ज़्यादा कोटा का आपको पता ही है क्या केस हो जाते हैं फिर, तो उधर की तरफ तो जाना ही नहीं है यार हम लोगों को। तो यार सबसे पहले तो खुद को इवेल्युएट करना है, ठीक है ना, पूछना है कि मैं क्यों ड्रॉप ले रहा हूँ। तो यार जिन्होंने एक साल ड्रॉप लिया था, अब वो पूछें खुद से यार कि मैं एक साल ड्रॉप ले करके तैयारी करूँ तो क्या मैं कर पाऊँगा। यार अगर अंदर से आवाज आए ना करना है तो किसी की मत सुनो यार, ले लो एक और ड्रॉप और फाड़ के पढ़ाई करो यार। फाड़ के पढ़ाई तो करनी ही है यार, ड्रॉप लो फर्स्ट प्लस वन में हो प्लस टू में हो, फाड़ के तो पढ़ाई करनी पड़ेगी निकालना है तो, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका कि लेना या नहीं लेना। अब तो यार अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो अब ये सोच रहे कि यार ड्रॉप लेने का कोई फायदा नहीं है, मेरी तो फिजिक्स भी कमज़ोर है, केमिस्ट्री भी कमज़ोर है और मैं सिर्फ बायोलॉजी में अच्छा था, और यार उनको ड्रॉप वैसे भी नहीं लेना चाहिए यार, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, इससे बेटर है आप अपना बेटर किसी और फील्ड में दो यार, ठीक है ना। कि बहुत सारी फील्ड्स हैं यार, आप कुछ भी करो, BAMS में चले जाओ, BHMS में चले जाओ, बहुत। और तो यार यहाँ पे थी बात कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहला तो समरी में अगर चलें तो दूसरे की नहीं सुननी है यार, क्या हाँ भाई तू ड्रॉप ले ले या ड्रॉप मत ले, ड्रॉप लेगा तो ये नुकसान है और ड्रॉप नहीं लेगा तो यार कुछ कर नहीं पाएगा, तो खुद की सुनो। दूसरा किसी के भी पीछे मत भागो यार कि मेरा दोस्त ड्रॉप ले रहा है, मम्मी पापा मेरा एक दोस्त है वो ड्रॉप ले रहा है तो मैं भी ड्रॉप ले लेता हूँ, यार वो ड्रॉप ले रहा है उसको लेने दो ना, क्या पता उसको हो जाए तुम्हारा ना हो पाए, ठीक है ना। कुछ भी फैक्टर मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उसको लेने दो ड्रॉप। और आप खुद से क्वेश्चन पूछो व्हाई मी, इट्स बेटर देन आस्किंग व्हाई मी फ्रॉम योरसेल्फ देन आस्किंग व्हाई मी टू गॉड, लाइक ठीक है ना। मेहनत करोगे ना यार सब मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आराम से। ड्रॉप ले रहे हो पढ़ो फोड़ दो, आगे वीडियोस डालूंगा मैं कि आपको अगर ड्रॉप नहीं लेना है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, लाइक MBBS अब्रोड के लिए क्या क्या आपको मतलब सोचना चाहिए कि हाँ क्यों MBBS अब्रोड लूँगा, ठीक है ना, उसकी अगली वीडियो डाल देंगे। तो यार सोचो कि क्यों ड्रॉप लेना है, खुद से पूछो कि क्या ड्रॉप लेकर के मैं उखाड़ पाऊंगा। अगर हिम्मत है ना ले लो ड्रॉप फोड़ दो, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। हार नहीं माननी है यार, हार नहीं माननी है, ठीक है ना, हार नहीं माननी।